हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। तो मैं आज आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ मेरा अर्ली मॉर्निंग रूटीन, क्योंकि मेरा हस्बैंड का ड्यूटी है तो आज उनका मॉर्निंग शिफ्ट में है। रोज़ तो ऐसा नहीं होता है, पर जिस जिस दिन उनका मॉर्निंग शिफ्ट होता है उस दिन इतने सुबह मुझे उठना पड़ता है। अभी टाइम हो रहा है सुबह का 3:30 और अभी मैं बना रही हूँ मेरे हस्बैंड के लिए नाश्ता। तो ये है चटनी, टमाटर और अनियन का सिंपल सा चटनी, और बना रही हूँ मैं पराठा, सत्तू का पराठा। तो आप बाहर देख सकते हो, किचन को विंडो से दिख रहा होगा, अंधेरा है बिल्कुल अभी बाहर। तो जिस दिन मुझे इतना सुबह नाश्ता बनाना होता है तो मैं रात को ही कुछ कुछ इंतज़ाम करके रखती हूँ, जैसे कि आटे का डो बना के रख दिया फ्रिज में, या और स्टफिंग बना के रख दिया। तो क्या होता है कि सुबह इतना हड़बड़ाहट नहीं होता है, जल्दी जल्दी काम हो जाता है, तो मैं ऐसा ही करती हूँ। और जब तक मैं यहाँ पे पराठा बना रही थी तब तक मेरे हस्बैंड अभी बना रहे हैं चाय। तो मैं अभी मेरा हस्बैंड का जो टिफ़िन है वो भी पैक कर दूँगी, उनके पास अभी टाइम था तो उन्होंने बोला कि चलो मैं ही बना लेती हूँ चाय, तो हो जाएगा काम जल्दी से। सो चाय पीने के बाद मेरे हस्बैंड अभी निकल चुके हैं काम पे, और अभी टाइम हो रहा है सुबह का 4:20। तो अभी मैं मिलूंगी, इतना अर्ली मॉर्निंग तो नहीं मिलूंगी, अभी मिलूंगी थोड़ी देर बाद। हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग एंड वेलकम बैक टू माय चैनल, माय लाइफ इज़ वंडरफुल, और मैं हूँ साथी। अभी टाइम हो रहा है सुबह का 8। अभी मैं अर्ली मॉर्निंग मिली थी आप लोगों से, टाइम हो रहा था 4:20, और अभी टाइम हो रहा है 8। सोई नहीं थी, आप समझोगे कि तब से मैं सो गई थी, नहीं सोई थी, क्योंकि एक घंटा जगने के बाद मुझे और नींद नहीं आती थी, तो सिर्फ लेटी हुई थी मोबाइल लेकर, बस इतना ही। और मेरे हस्बैंड का ड्यूटी शिफ्ट में चलता है तो हफ्ते में 2 से 3 दिन मॉर्निंग शिफ्ट होता है, तो इसी टाइम पे निकलता है, वरना इतना सुबह मैं नहीं उठती हूँ। रोज़ का रूटीन तो है नहीं, मैं हफ्ते में 2-3 दिन का ही रूटीन होता है, पर उठना पड़ता है, टिफिन देना पड़ता है, खाएगा ना, वैसे भी लॉकडाउन चले या ना चले टिफिन तो देना ही पड़ता है, और उठती हूँ। तो पराठा मैं सिर्फ तभी बनाया था, मेरे हस्बैंड के लिए सिर्फ 4 पराठा बना दिया था, क्योंकि इतना मन नहीं करता है नींद से उठने के बाद, तो जितना ज़रूरी हो उतना ही बनाया। जैसे कि आपने देखा, हस्बैंड के लिए 4 पराठा और चटपट से वो चटनी बना दिया मैंने, प्याज और टमाटर डाल के। ये एक बहुत ही टेस्टी होता है, आपके पास अगर कोई सब्जी ना हो तो ये जो टमाटर अनियन का चटनी भी बोल सकते हो, सब्जी भी बोल सकते हो, जो भी बोलो आप, तो आप किसी के साथ भी खा सकते हो, पूरी हो या फिर सिंपल सा रोटी हो, पराठा हो, किसी के साथ भी खा सकते हो, बहुत ही टेस्टी लगता है, मुझे तो बहुत अच्छा लगता है। और अगर आपके पास सब्जी हो, जैसे कि बीटरूट हो गया, कैरेट हो गया और पीज हो गया, ये सब डाल के बनाओ तो और भी ज़्यादा टेस्टी लगता है। वैसे भी ये जो रेसिपी है वो है मेरे वीडियो में, तो आप देख सकते हो, वो मेरे हस्बैंड बहुत अच्छे बनाते हैं। ये चटनी वैसे भी मैंने मेरे हस्बैंड के पास ही सीखा है, मैंने मेरे लिए सिर्फ 2 पराठा बना लिया है ये नाश्ता, और बनाया है मैंने चाय, क्योंकि अभी 8 हो रहा है, सिर्फ किचन साफ किया मैंने, मतलब पराठा बनाने के बाद सो रही थी तो 7 बजे, जस्ट 7 बजे उठी, मोबाइल में देख रही थी कुछ। उठने के बाद मैंने थोड़ा सा फ्रेश हो लिया और मैंने 2 पराठा बना लिए, इतने देर से जगी हुई तो भूख लगेगी, तो 2 पराठा बना लिया, चाय बना लिया, चटनी तो था ही, और किचन साफ करते और बर्तन भी मैंने धो दिया है, और बेटू अभी सो रही है तो वो उठेगी, फिर बिस्तर को समेटूंगी, फिर झाड़ू पोछा डस्टिंग जो भी है वो करूँगी, और उसके लिए मैं अलग से कुछ बनाऊँगी, क्योंकि ये तीखा है, मिर्च है इसमें, तो वो नहीं खाएगी, आप लोगों को पता है, तो उसके लिए खिचड़ी वगैरह कुछ बना दूँगी। 1 मिनट, दूध आया है तो मैं दूध ले लेती हूँ, फिर बात करती हूँ। हाँ, तो मैंने दूध लिया है क्योंकि बेटे को खाना है स्वीट, तो इसीलिए कुछ बनाऊँगी उसके लिए। और तो चलिए मैं अभी करती हूँ नाश्ता। तो खाना खाने के बाद अभी मैं आ चुकी हूँ यहाँ पे बेटे को उठाने, तो उसे उठाऊँगी, फिर उसे भी मैं रेडी करूँगी, तो अभी उठने नहीं चाहती है वो सुबह, अब सुबह मतलब क्या 8:30 हो रही है अभी, तो वो उठने की नखरा कर रही है,
और उठने के बाद मैंने उसका ड्रेस जो था वो चेंज कर दिया है ब्रश करा के, उससे मैं अभी सुबह देती हूँ थोड़ा सा हनी और वाटर, तो वो गर्मी में अभी गर्म पानी नहीं खाना चाहती है, पर गर्म पानी खाना बहुत ही अच्छा होता है। और यहाँ पे मैं अभी दे रही हूँ उसे दूध, क्योंकि थोड़ी देर बाद उसे मैं नाश्ता करवाऊँगी, तो इसीलिए अभी नींद से उठने के बाद मैं उसे एक गिलास दूध दे दिया। और उसे खिलाने के बाद, उसे रेडी करने के बाद मैं अभी काम पे लग गया हूँ, तो बिस्तर में अभी ठीक करूँगी, फिर मैं करूँगी डस्टिंग वगैरह सब कुछ। तो लगभग सब कुछ मैंने थोड़ा थोड़ा करके डस्टिंग कर दिया, जैसे कि टीवी वगैरह हो गया और बेड साइड भी मैंने डस्टिंग कर दिया है, फ्रिज भी। तो अभी मैं फ्रिज को अभी थोड़ा सा क्लीन करूँगी, क्योंकि बहुत दिन पहले क्लीन किया था। फिर चीज़ें वगैरह रखती हूँ जैसे कि सब्जी वगैरह, तो दाग वाग पड़ जाता है ड्रेस में, तो अच्छा नहीं लगता है, गंदा लगता है, तो मैंने सोचा चलो साफ कर देते हैं। और एग्स था फ्रिज में, तो उसे मैंने नहीं निकाला है, तो उसे वैसे रहने दूंगी, बाकी सारा चीज़ जो है वो मैं अच्छे से क्लीन कर दूंगी। और ड्रेस मैंने आज नहीं निकाला है, क्योंकि कुछ दिन पहले ही मैंने ड्रेस निकल के अच्छे से धो के साफ किया था, तो उतना गंदा तो नहीं हुआ है कि निकल के धोना पड़े। तो मैं वैसे ही कपड़े लेकर पानी में आज थोड़ा सा नींबू के साथ हैंड वॉश भी ऐड किया है, क्योंकि अभी जो सिचुएशन है बहुत ही ख़राब है, तो देना पड़ता है, तो मैंने देकर और क्लीन क्लॉथ से अच्छे से क्लीन कर दिया। फिर जो भी चीज़ें था वो थोड़ा सा उसी क्लॉथ से पोंछते हुए मैंने सारा सेट कर दिया जैसे मैं रखती हूँ, तो मेरा फ्रिज भी बिल्कुल क्लीन हो गया है। और फ्रिज क्लीन करने के बाद अभी लगाऊंगी मैं घर में पोछा। और पोछा लगाने के बाद मैं अभी आ चुकी हूँ किचन में, बेटू के लिए ब्रेड जो है वो सेक रही हूँ, क्योंकि उसे अभी ब्रेड और जैम खाना है। मैंने बोला कि खिचड़ी बना दूँ पर उसे नहीं खानी है, तो मैं ब्रेड को सेक कर उसे मैं जैम लगा के उसे दे दूँगी, तो वो खा लेगी। मैंने सारा काम कर लिया है और बेटू को मैंने खिला दिया है, आपने देखा ब्रेड और जैम दे दिया उसे, वही खाना था। मैंने बोला कि खिचड़ी बना दूँ पर वो बोला कि नहीं मुझे ब्रेड और जैम दे दो, तो उस वही मैंने उसे बना कर दे दिया, तो उसने खा भी लिया, उसे हो गया खाना। और अभी मैं हूँ किचन में, जैसे कि आप देख पा रहे हो, तो मैं अभी खाना नहीं बनाने वाली हूँ, कुछ अलग बनाने वाली हूँ, स्वीट्स बनाने वाली हूँ। मेरी बेटी बहुत दिनों से बोल रही है, मैंने आपको सुबह ही बोला शायद दूध लेने वक्त, तो इसीलिए मैंने दूध लिया था। तो अभी मैं बनाऊंगी ब्रेड की गुलाब जामुन। और हम लोगों की एक होती है बंगाली की, जो कि बोलते हैं बेक्ड संदेश भी बोल सकते हो आप, पता ना, हम लोग बोलते हैं भापा संदेश बोलते हैं, स्टीम से होता है वो, स्टीम संदेश जो कि होता है, तो वही बनाऊंगी। तो शायद पूरा रेसिपी मैं नया शेयर कर पाऊँ, क्योंकि सुबह से चल रहे थे तो बहुत बड़ा हो जाएगा, थोड़ा थोड़ा दिखा दूंगी। अगर आपको पसंद आए तो आप फिर कमेंट में मुझे बोल सकते हो, मैं फिर से कोई दिन आप लोगों के साथ शेयर करूंगी। तो चलिए अभी वही बनाते हैं। सो अभी मैं स्वीट्स बनाऊंगी, तो उसके लिए मैंने गैस पे दूध चढ़ाया है, क्योंकि उससे मैं जो छेना है वो बनाऊंगी, वो स्टीम संदेश के लिए मुझे छेना चाहिए, तो उससे मैं छेना बनाऊंगी। और अभी मैं ब्रेड काट रही हूँ, उससे मैं बनाऊंगी गुलाब जामुन। और यहाँ पे देखिए मैं छेना जो है मेरा तैयार हो चुका है, उससे मैं पानी थोड़ा अच्छे से निचोड़ के रख दिया है, और उसमें
मैंने अच्छे से मसलते हुए मिलाया है कंडेंस मिल्क, शुगर और इलायची पाउडर और थोड़ा सा मिल्क पाउडर, तो उसे मिलाकर मैंने अच्छे से उसे मिक्स कर दिया है। और अभी मैं उसे एक थाली में जैसे कि घी लगाकर उसे अच्छे से सेट कर दिया है। उसे मैं अभी एल्युमिनियम फॉइल से अच्छे से कवर कर दूँगी ताकि स्टीम में रखूँगी ताकि पानी ना जाए उसके अंदर। और मैं अभी रख दूँगी इसे स्टीम में 15 मिनट के लिए, तो मेरा स्वीट रेडी हो जाएगी। जब तक मेरा वो होता है तब तक मैं यहाँ पे देखिए जो मैंने ब्रेड काट के रखा था उसे मैंने दूध से गूंथ लिया है। और कुछ देर सेट करने के बाद उसमें मैं अभी गोला बना रही हूँ छोटा छोटा करके ताकि मैं गुलाब जामुन फ्राई कर रही हूँ। और यहाँ पे मैंने ऑलरेडी फ्राई भी कर रही हूँ गुलाब जामुन को। और यहाँ पे मेरा चाशनी भी रेडी हो चुका था, तो गुलाब जामुन को दे के मैं थोड़ा सा बॉयल करूँगी क्योंकि ब्रेड का है तो थोड़ा सा बॉयल करने से अच्छा होता है। तो मेरा गुलाब जामुन भी रेडी हो चुका है। यहाँ पे मैं तैयारी कर रही हूँ मेरा रसमलाई की, तो रसमलाई भी मैं ब्रेड से बनाऊँगी। तो दूध में उबाल आने के बाद मैंने ब्रेड क्रम को थोड़ा सा ग्राइंड कर लिया था, फिर उसका एक डो बना लिया और उसमें मैं अभी दे रही हूँ थोड़ा सा घी और मिल्क पाउडर, उसे भी मैं अच्छे से अभी मिक्स करूँगी। और वो मैं सॉरी कि दिखा नहीं पाई क्योंकि मैं अभी दूध में ऐड कर रही हूँ वो हाथों से गुलाब बना के दूध में ऐड कर दिया, उसमें दिया दिए शुगर। तो मेरा रसमलाई भी रेडी हो गया है। सो मैंने स्वीट्स सारा रेडी कर लिया है, जितना भी मतलब मुझे करना था 3 स्वीट्स बनाना था तो मैंने बना लिया है। और ये वो है, ये है रसमलाई, ये जो स्टीम्ड संदेश बोलते हैं हम लोग वो है भापा संदेश, और ये है गुलाब जामुन। तो हो गया है। और यहाँ पे मैंने राइस भी चढ़ा दिया है और यहाँ पे सब्जी भी चढ़ा दिया है मैंने। तो अभी मैं करूँगी कुकिंग, फिर नहाऊँगी और फिर मिलती हूँ थोड़ी देर बाद। सो मैंने नहा लिया है और मेरा कुकिंग भी कंप्लीट हो चुका है, तो मैं दिखा देती हूँ मैंने आज क्या बनाया है। तो मैंने बनाया है सीम आलू बैंगन फ्राई और रॉ जैकफ्रूट करी। ये हमारा आज का लंच, और बेटू के लिए खिचड़ी और बॉयलिंग। तो उसे मैं भी जाऊंगी खिलाने क्योंकि उसे भी मैंने नहला दिया है। तो चलिए, और वो अभी देख रही है कार्टून। और कोई माइंड मत करना, वहाँ पे मेरा थोड़ा सा कपड़ा है क्योंकि अभी मैंने कपड़ा बिछाया है, तो जो बिछाया हुआ था वो अभी उठाया है, उसे भी मैं अभी फोल्ड करूँगी। मामा देखे भालो ना नो एटा खिचुड़ी ना तो सब्जी दिए देव अभी खाने के पकड़ी नखरा पूरा दिन ऐसा ही चलता रहता है। मामा खेल हमें तो कट्टी कर देव ताले हमें कट्टी कर देव ना ओके ना तुम्हें गुड़ डालना ना तो चलिए मैं अभी इसे खिला देती हूँ और इस वीडियो को भी मैं अभी यही पेंड करती हूँ और मिलती हूँ एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए अच्छे रहिए, और अगर मेरे वीडियो सबको अच्छे लगे तो लाइक और शेयर जरूर करना और मेरे चैनल को सब्सक्राइब। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।